नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्ता न्यूज। महाराष्ट्र में पिछले कुछ टाइम से लगातार शिवसेना वर्सेस बीजेपी हो ही रहा था कि इसी बीच एक और अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि अब जो है शिवसेना वर्सेस उद्धव ठाकरे के ही भाई राज ठाकरे की पार्टी मन से होना स्टार्ट हो चुका है। इसके पीछे का एक रीजन है, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर महाराष्ट्र में हर बार एक फेस्टिवल मनाया जाता है दही हाड़ी का, जो कि हर बार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन कोविड की वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इस बार इस पर रोक लगा दी गई है, जहां पे उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रिक एक्शन लेने की बात की गई है, जहां पर सीधे सीधे बोला गया है कि इस तरह से कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, मतलब कि भीड़ भाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मनसे पार्टी के यानी राज ठाकरे के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस फेस्टिवल का आयोजन किया और उन्होंने इसको स्टार्ट ही किया था कि वहां पर मुंबई पुलिस पहुंच गई और मुंबई पुलिस ने वहां पर पहुंच के कई लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज किया और साथ में ही दो लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। यानी कि जो राज ठाकरे की पार्टी मनसे है उसके दो कार्यकर्ताओं को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद फिर से बवाल मच गई। यहां पर दो के दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई, जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के पॉलिटिशियन से लेकर इधर जो है राज ठाकरे की पार्टी के जो है वो आमने सामने आ गए। यही नहीं, यहां पर राज ठाकरे के द्वारा भी एक बयान दिया इस पर, जहां पर उन्होंने उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के ऊपर निशाना साधा। उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट जो है वो जानबूझकर अपने हिसाब से सब कुछ कर रही है, जहां पे उसको चाहिए होता है वो अपने हिसाब से कोविड का नियमों को भी नहीं फॉलो करती और वहां पर जो जिसको चाहिए उसको पूरी तरह से छूट दे देती है कोविड में, लेकिन जहां पे उसको लगता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उससे, तो अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए अपने अपने स्वार्थ के लिए जो है हम लोगों को पूरी तरह से जो छूट मिलनी चाहिए वो नहीं दी जाती, जबकि हम लोगों का ये जो फेस्टिवल है इसमें हम पूरी तरह से हमको स्वतंत्र होना चाहिए कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के द्वारा ये बहुत ही गलत काम किया जा रहा है कि उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है जो कि दही हाड़ी का फेस्टिवल धूमधाम से मना रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम पर इस पर क्या क्या चीज़ होती है, क्योंकि इसमें कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं, कई बीजेपी के और कई मनसे के जो लगातार ये बोल रहे हैं कि हम जो है दही हाँडी का फेस्टिवल पूरे धूमधाम से मनाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। वहीं उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट द्वारा इस पे जो है पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे इस पे विवाद और ज़्यादा बढ़ेगा या यहीं पर शांत हो जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।